नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ जहां पूरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर रही थी, ठीक उसी वक्त हनुमान जी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हनुमान जी पर सियासत ऐसी शुरू हुई कि हनुमान जी को अपवित्र करने तक पहुंच गई। हुआ ये कि मतदान से एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। लेकिन केजरीवाल का हनुमान मंदिर जाना बीजेपी नेता मनोज तिवारी को खटक गया और उन्होंने केजरीवाल के हनुमान मंदिर जाने पर सवाल उठा दिए और कहा कि वो पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अपवित्र करने गए थे। एक हाथ से जूता उतार के उसी हाथ से माला लेकर क्या कर दिया। जब नकली भक्त आते हैं ना, तो यही होता है। मैंने पंडित जी को बताया तो बहुत बार हनुमान जी को धोए हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उन पर पलटवार कर दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर मनोज तिवारी को जवाब देते हुए कहा कि जब से उन्होंने टीवी पर हनुमान चालीसा पढ़ी है, तभी से बीजेपी उनका मजाक उड़ा रही है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जब से मैंने एक टीवी चैनल पर हनुमान चालीसा पढ़ी है, बीजेपी वाले तब से लगातार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कल हनुमान मंदिर गया था, आज बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मेरे जाने से मंदिर अशुद्ध हो गया। ये कैसी राजनीति है? भगवान तो सभी के हैं, भगवान सभी को आशीर्वाद दे, भाजपा वालों को भी, सबका भला हो। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी मनोज तिवारी पर सवाल उठा दिए। संजय सिंह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने मंदिर में जाकर पूजा कर ली तो उन्हें धोना पड़ा। इतना अछूत मानते हो आप केजरीवाल को? बीजेपी को उनसे इतनी नफरत और घृणा क्यों है? आइए आपको दिखाते हैं कि संजय सिंह ने मनोज तिवारी के बयान पर क्या कहा। काम के नाम पर हो रहा है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी जरूरतों को जो पूरा करने का काम 5 साल में केजरीवाल सरकार ने किया है, उसके नाम पर जनता वोट दे रही है। बहुत उत्साहजनक खबरें मैं वॉर रूम से आ रहा हूं, हर विधानसभाएं से मिल रही हैं। एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है बीजेपी दिल्ली के अंदर, और आज अंतिम दिन भी नफरत फैलाने की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आई। इसकी बहुत तकलीफ हुई। पहले आतंकवादी कहा केजरीवाल जी को, रावण तक कह डाला केजरीवाल जी को, और आज जो मनोज तिवारी जी का बयान आया है उससे बहुत पीड़ा पहुंची। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी की पूजा कर ली, बजरंगबली की पूजा कर ली, तो बजरंगबली को अशुद्ध कर दिया। आप लोग अरविंद केजरीवाल को अछूत मानते हैं, इतनी हीन भावना से देखते हैं, इतने घृणा के भाव से देखते हैं, इतनी नफरत रखते हैं अरविंद केजरीवाल के प्रति कि उन्होंने पूजा कर ली तो हनुमान जी अशुद्ध हो गए, उनको धोना पड़ा, ऐसा मनोज तिवारी जी कह रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के प्रति उनकी घृणा को देख रहे हैं, हीन भावना को देख रहे हैं, और आज इस चुनाव वोटिंग में अपने बेटे के अपमान को वो लोग वोट की ताकत से जवाब देंगे। दिल्ली का परिवार जवाब देगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। गई थी वहाँ पर वोट डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक तो कांग्रेस का चिन्ह वो अपनी शॉल पे डाल के गई, दूसरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ भी चढ़ा। देखिए, अब इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी किसी भी हरकत पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कल मैंने वीडियो भी डाला था किस तरह से गिरिराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में रुपया बांटने का काम कर रहे थे, तो इन्होंने अंतिम दम तक कोशिश की चुनाव को प्रभावित करने की। लेकिन आज दिल्ली की जनता पूरे उत्साह के साथ चुनाव में वोट डालने निकली है, और अब तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने भी मान लिया कि दिल्ली में झाड़ू चल रही है।